भी बहुत ज़्यादा मस्त है, तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। काश ये गाना पहले आ गया होता तो आई एम श्योर कि नवरात्रि पर हर जगह पर ये गाना चलता। बड़ा मज़ा आ रहा है, जैसे कि भाई ने कहा गाने की पिक्चराइजेशन हो रही है, हमारा आखिरी दिन है आज का। And we all glad that we've completed the film and now looking forward to the release. वो फिल्म में सबसे पहले आपको यही पता चलेगा कि घोस्ट घोस्ट की जो दिखते हैं वैसे नहीं है, बड़े नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ये फिल्म जो है कॉमेडी है और घोस्ट को पहली बार जो है हमने कोई ना वो दीवार के थ्रू गुजरते हैं ना कोई वो डराते हैं, बेचारे नॉन वायलेंट भूत हैं। बल्कि हमारी पिक्चर में डायलॉग भी है कि वो कोई उसे बोलता है कि हम नॉन वायलेंट भूत हैं, तो कहते हैं हमको वायलेंस नहीं चाहिए असल में, तो वो कहते हैं कि अगर वायलेंस नहीं है तो हमको क्या वायलेंस बजाने के लिए बुलाया है यहाँ पर असल में। ये एक्चुअली इसलिए खूबसूरत घोस्ट लिए गए हैं कि ताकि आपको घोस्ट से प्यार हो और आपको वो पसंद आए असल में। अब ऐसी मीरा जैसी अगर घोस्ट होगी तो डेफिनेटली उसका तो इसका मतलब है आगे से भूतों से डरना मत, भूतों से प्यार करना। पहली बार मैंने इस तरह का कॉस्ट्यूम पहना है, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये जो मैंने नथनी पहनी है और ये आई एम लाइकिंग द होल थिंग, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है पहनकर। आई वांट टू वर्क विद सतीश जी एंड कमाल की कास्ट है पूरी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो मैं अच्छी स्क्रिप्ट करती हूँ, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो सीरियस सिनेमा हो कुछ भी हो, बट अच्छी थी। तो मैं पिछले साल से सिर्फ नाच ही रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा नाच रही हूँ और मज़ा आ रहा है मुझे, जो इतने साल 3-4 साल मैंने बिल्कुल भी कोई डांसिंग नहीं किया, सिर्फ परफॉर्मेंस करती थी, लेकिन अब मुझे डांस करने का मौका मिल रहा है तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ उस चीज़ को। मेरी प्रियंका से बात हुई थी जंजीर के रिलीज़ से पहले, टिप्स देने की ज़रूरत है नहीं बिकॉज आई बीन वर्किंग इन साउथ सिंस लॉन्ग एंड they consider me that I'll do a good job, I consider myself as a good actress. ab to aap log please thodi help karna baki audience ke upar hai. tips to nahi but we really had a lot of fun doing some scenes, especially that scene, ek bedroom ka hamara sequence hai, bahut hi interesting scene hai. Achha. and then yeah. बेडरूम पे इन दोनों का सीन। अच्छा ये तो अच्छा पिक्चर है, ये पिक्चर के बारे में कह रहा हूं, यू नो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंसेंबल कास्ट ऑफ गुड एक्टर्स, देयर इज शर्मन, देयर इज परमव्रता, देयर इज माही, देयर इज बीरा, देयर इज माय डियरेस्ट फ्रेंड एंड वेरी यंग फ्रेंड अनुपम खेर, एंड देन देयर इज राजपाल यादव, देयर इज यशपाल शर्मा, देयर इज सौरभ शुक्ला, यू नो देयर इज जैकी श्रॉफ, देयर इज चंकी पांडे, the cast is really very talented and apart from one or two people who are actually not ghosts, you know, but rest of the ghosts they have really played their part very well, and I think Gang of Ghosts has a very very interesting bunch of actors who have done their job perfectly well. Yeah, it doesn't work like that. It depends on the script. If it happens to be a multi-sara ensemble cast, then so be it. And if the script does not require an ensemble cast, so be it. The bottom line is we are all very excited with the content and we've all worked with a lot of love and passion towards this and we are looking forward to a positive response. It's part of the film and it is the ghost having a great time. Ala re ala, mast bhoot ala, Dharam and Sandeep, they have composed this song. होता ना फिल्मी गाने पे नाच मधुबाला, इट इज़ ए वेरी काइंड ऑफ ए टीजिंग सॉन्ग एंड वेरी विद इंटरेस्टिंग बीट विच इज टिपिकल महाराष्ट्रियन एंड यू नो बम्बैया, सो इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द फिल्म। पौली डैम एक्चुअली हैज डन ए आइटम सॉन्ग इन द फिल्म एंड देर इज अनदर बॉय फ्रॉम टेलीविजन अनिरुद्ध दवे, उसने भी इसके अंदर किया एंड दैट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग वेयर ऑल द घोस्ट they go to ghost bar where only ghosts are allowed and they sing a song together with all the it is there is a kind of alternate world of ghost being created, jaise ki ek real world hai uske sath sath ek ghost world bhi hai wo duniya mein chalta hai, wo dikhane ke liye humne ghost bar mein gana kiya jisme Pauli Dam ne she has done an item number. I don't know, luckily the scripts that I have been doing, jaise abhi gangster hai to usme mera kafi important character raha hai, जितनी भी फिल्में मैंने अभी तक की हैं सिवाय एक दो के जहाँ मैंने आइटम नंबर्स किए हैं, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स निभाए, सो आई डिडंट फील दैट वे एट ऑल।